नमस्कार, चाणक्य IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। जब G20 की बैठक का आयोजन बाली में होने वाला था, तो ठीक उससे पहले अमेरिकी ट्रेजरी मतलब अमेरिका के वित्त मंत्री जेनेट येलेन भारत के दौरे पर थी। अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान येलेन ने कहा कि भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण भागीदार है और यह भागीदारी आज विशेष रूप से सही है। येलेन ने यह भी कहा कि मेरा मानना है कि जो तात्कालिक चुनौतियां हैं वे भारत और अमेरिका को पहले की तुलना में बहुत करीब ला रही हैं। आखिर वो कौन सी चुनौतियां हैं जो भारत और अमेरिका को नजदीक ला रही है? तो कुल मिलाकर वो चुनौती है चीन का बढ़ता हुआ वर्चस्व, खासकर आर्थिक वर्चस्व। आज भी चीन न केवल विनिर्माण का हब बना हुआ है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र बना हुआ है। देखिए, यह ठीक है कि कोविड महामारी से प्रभावित होने के बाद मल्टीनेशनल कंपनियों ने चीन प्लस वन नीति को अपनाया, लेकिन उसके परिणाम इतनी जल्दी नहीं मिल सकते। चाइना प्लस वन, जिसे केवल प्लस वन के रूप में भी जाना जाता है, केवल चीन में निवेश करने से बचने और अन्य देशों में व्यापार में विविधता लाने की एक व्यावसायिक रणनीति है। अगर हम बात करते हैं ड्रैगन की, यानी कि चीन की, तो चीन से आपूर्ति श्रृंखलाओं को अलग करने के प्रयासों के साथ अमेरिका चीन प्रतिद्वंदिता के समय में अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने भारत के साथ एक मित्रतापूर्ण रणनीति के लिए जो जोर दिया है, उसका मतलब है कि समान विचारधारा वाले देशों के समूह के भीतर व्यापार को बनाए रखना। इसका उद्देश्य है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के जोखिम को कम करना। क्यों? इसलिए क्योंकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर चीन की मजबूत स्थिति अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को प्रमुख कच्चे माल, प्रौद्योगिकी और उत्पादों पर भू राजनीतिक लाभ के लिए अपने प्रभुत्व का उपयोग करने की अनुमति नहीं देते हैं। अब भारत के द्वारा इस रणनीति का क्या किया जाना चाहिए? तो भारत के द्वारा इसका बेशक स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत भी चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है और सक्रिय रूप से उन विदेशी कंपनियों को प्रोत्साहित भारत कर रहा है जो देश में संचालन स्थापित करने के लिए चीन से स्थानांतरित हो रही हैं। भारत के द्वारा विदेशी कंपनियों को प्रोत्साहित करने के शुरुआती संकेत भी अच्छे मिल रहे हैं कि विदेशी कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने लगी हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल को देखिए, तमिलनाडु में एक विनिर्माण सुविधा बनाने के लिए अमेरिकी फर्म फर्स्ट सोलर इंक और दूसरी तरफ एप्पल इंक की अपने कुछ आईफोन निर्माण को भारत में स्थानांतरित करने की योजना है। हालांकि अभी भी ये कंपनियां अपने सबसे अधिक बिकने वाले उत्पादों के लिए मुख्य भूमि मतलब कि चीन पर बहुत अधिक निर्भर करता है। एप्पल चीन में जो भारी मुनाफा कमा रहा है, उसे देखते हुए उसे अपने परिचालन को चीन की मुख्य भूमि से बाहर स्थानांतरित करने की शायद इतनी कोई जल्दबाजी नहीं होगी। और इन्हीं सभी के बीच एक जो अवधारणा है, वो अवधारणा है फ्रेंडशोरिंग की। अमेरिका फ्रेंडशोरिंग की अवधारणा पर काफी जोर दे रहा है। इसकी व्याख्या करते हुए खुद येलेन ने कहा कि इस अप्रोच में विकासशील देशों के साथ स्थानीय उद्योगों को विकसित करने और उन्हें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए भागीदारी शामिल है। इस कॉन्सेप्ट का मुख्य उद्देश्य साझा मूल्यों वाले राष्ट्रों के समूह के भीतर मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार करने के लिए व्यवसाय समूहों को प्रोत्साहित करने वाले नियमों को लागू करना है। इस कॉन्सेप्ट के पीछे इरादा अमेरिकी अर्थव्यवस्था या उसके व्यापार साझेदारों की अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर करने के लिए महत्वपूर्ण कच्चे संसाधनों, प्रौद्योगिकियों या सामानों के मामले में कुछ देशों मतलब रूस और चीन के द्वारा अपने बाजार प्रभुत्व का गलत तरीके से उपयोग करने से रोकना है। फ्रेंडशोरिंग का उदाहरण देते हुए येलेन ने खुद कहा है कि पश्चिमी देशों की कंपनियों ने चीन के अपने उत्पादन केंद्रों को भारत और वियतनाम जैसे देशों में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है ताकि चीन पर निर्भरता कम हो सके। परंतु भारत को फ्रेंडशोरिंग से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क संक्षेप में IPEF
जैसे क्षेत्रीय ब्लॉकों में अधिक गहराई से भाग लेना चाहिए। 2022 में ही लॉन्च इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क 14 देशों का एक समूह है जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 40% का हिस्सा है। हालांकि भारत इस समूह में शामिल हो गया, लेकिन चार स्तंभों, कौन कौन से स्तंभ हैं? पहला ट्रेड, दूसरा सप्लाई चेन्स, तीसरा क्लीन इकोनॉमी जिसमें कि क्लीन एनर्जी, डीकार्बोनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ये शामिल है, और चौथा और अंतिम फेयर इकोनॉमी जिसमें कि टैक्स एंड एंटी करप्शन ये शामिल हैं। तो इन चार स्तंभों में से एक मतलब ट्रेड या व्यापार स्तंभ से बाहर निकलने का भारत ने विकल्प चुना है, जो कि हमने जैसे देख लिया कि ये इस ब्लॉक के चार स्तंभों में से एक है। IPEF के जिन चार स्तंभों की अभी हमने बात की है, इन चार स्तंभों का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला का विकेंद्रीकरण करना, आर्थिक स्थिरता, आर्थिक समावेशिता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। अब सवाल यह है कि भारत ने यह कदम उठाया क्यों? तो इसके पीछे भारत का तर्क है कि भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था, डेटा प्रवाह, श्रम और पर्यावरण मानकों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर मौजूद प्रतिबद्धताओं को जल्दबाजी में स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। और ये किन के प्रतिबद्धताओं की बात की जा रही है? IPEF की प्रतिबद्धताओं की। व्यापार स्तंभ पर भारत की अस्पष्टता फ्रेंड शोरिंग के साथ मूल समस्या की ओर इशारा करती है। चीन से बाहर जा रही आपूर्ति श्रृंखलाओं को आकर्षित करने में भारत के लिए बहुत बड़ा लाभ है, लेकिन कब? वह तब संभव है जब नीतिगत ढांचे के द्वारा इस प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। इसके लिए अधिक खुली और अप्रतिबंधित व्यापार नीति की आवश्यकता है, क्योंकि 2015 के बाद से आयात शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि व्यापार विस्तार की संभावनाओं को सीमित करती है। अधिक खुली और अप्रतिबंधित व्यापार नीति से यह सुनिश्चित होगा कि ड्रैगन के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए IPEF के माध्यम से भारत फ्रेंड शोरिंग रणनीति का उपयोग कर सकता है। तो इस प्रकार हमने फ्रेंड शोरिंग के इर्द गिर्द, जो एक नई अवधारणा अमेरिका के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, हमने भारत के भविष्य में वैश्विक स्तर पर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के हिस्सा बनने और साथ ही साथ अपने व्यापार को कितना ज़्यादा वो बढ़ा सकता है या वैश्विक स्तर पर व्यापार जो हो रहा है उसमें अपनी भागीदारी को कैसे बढ़ा सकता है, इस पर हमने चर्चा की। इसके साथ ही इस वीडियो को यह विराम देते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।